राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के 101 दिन पूरे होने के अवसर पर झारखंड कांग्रेस ने रांची शहर में भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया। इस दौरान शहीद चौक से लेकर शहीद बिरसा मुंडा की समाधि स्थल पर भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया गया और इसमें कांग्रेस के नेता और मंत्री बड़ी संख्या में शामिल हुए। साथ ही लोगों का एक बड़ा जन सैलाब भी इस भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बना। इस दौरान हमने बातचीत की झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से। सुनिए क्या कुछ कहना था उनका इस दौरान। और ना सिर्फ राजेश ठाकुर ने झारखंड में हो रहे भारत जोड़ो यात्रा पर बात की, साथ ही गुजरात और हिमाचल चुनाव पर भी उन्होंने कांग्रेस का पक्ष रखा। ये आप लोग आज कवर किए हैं और हम समझते हैं जिस तरह से जनसैलाब उमड़ी थी, हम ये कह सकते हैं आम जनता की भागीदारी, महिलाओं की भागीदारी, तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनकी भागीदारी रही है। और जिस तरह से आदरणीय राहुल गांधी जी का काफिला बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे लोगों का जनसैलाब भी बढ़ते जा रहा है। लाखों लाख की संख्या में लोग ज्वाइन कर रहे हैं यात्रा को, और जहाँ भी इसे भी यात्रा गुजर रही हो, चाहे आदरणीय राहुल गांधी जी की यात्रा वहाँ पर हो या झारखंड में हम लोगों की यात्रा हो, बहुत बेहतरीन समर्थन मिल रहा है। चूँकि उद्देश्य क्लियर है कि हमें महंगाई, बेरोजगारी और नफरत से निजात दिलाना है लोगों को, लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि नफरत चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है और महंगाई चरम पर है। तो लगातार वो देखिए, जब बड़े बड़े काम होते हैं तो उसमें छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। जब कुंभ का मेला होता है तो धक्कम धुक्की होती है, आज भी हो रही थी। हमें लगता है कि उसको थोड़ा बृहद सेंस में देखा जाएगा तो कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में एक उत्साह होता है, कोई जिला अध्यक्ष के लिए नारा लगाता है, कोई विधायक के लिए लगाता है, कोई प्रदेश अध्यक्ष के लिए लगाता है, उसमें कई बार कंपटीशन में ये सारी बातें आपको दिखाई दे जाती है। जो 22 जिलों में हुआ उसकी चर्चा लोग नहीं करते हैं, एक आध जिले में कोई बात होती है। जब हम चुनाव जीते हिमाचल में, हमने परचम लहराया तो लोग गुजरात की बात कर रहे थे। अरे हिमाचल जीता है बताओ तो सही, और हम लोग हिमाचल भी जीते हैं, पूरा हिंदुस्तान भी जीतेंगे, इसलिए हार काफी बड़ी थी। नहीं नहीं, हिमाचल में जीत कितनी बड़ी है वो देखना चाहिए। कभी जब भी कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा तो उत्तराखंड में भी था तो नहीं हुआ रिपीट। तो हम लोग सारी बात है, राज और रिवाज की बात है, वो सब हम लोगों ने पूरा किया है। आने वाले समय में आदरणीय राहुल गांधी जी को हमें प्रधानमंत्री बनाना है और हम समझते हैं उसमें कामयाब होंगे। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।